हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंसेस और फ्रेजेस। कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को समझने में या फ्रेज को समझने में आपको आसानी होगी, जिससे आप सभी सही तरह से एक सेंटेंस बना सकेंगे इंग्लिश में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश विद विनोद सर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने एक्सरसाइज लिया हुआ है। आपको जो सेंटेंस होगा उसके आगे एस लिखना है डिब्बे में, और जो फ्रेज है उसके आगे पी लिखना है। तो पहला देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको लिया था, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। पहले एक दो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा। फिर है ऑन द रोड, तो ये एक फ्रेज है। तो इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस और फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज अगर हम देखें तो क्या है, ये कुछ शब्दों का, कुछ वर्ड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का मतलब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक हमको कंप्लीट हमको मीनिंग देता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन किसी भी सेंटेंस में रहता है जनरली, सामान्यतः। कभी कभी सब्जेक्ट नहीं रहता है, सिर्फ वर्ब ही रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। कभी कभी सिंपली कोई एक वर्ब ही पूरे सेंटेंस का काम कर जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ किसी की गो, मैं किसी को कह रहा हूँ गो, गो मतलब जाओ, तो ये भी एक सेंटेंस माना जा सकता है, क्योंकि मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ गो, गो मतलब जाओ। इसमें यू गो छुपा हुआ है, यू शब्द, तुम जाओ, तो मैंने तुम जाओ नहीं बोला क्योंकि मैं इसको सामने बोल रहा हूँ, तो मैंने गो बोल दिया, तो वो सेंटेंस हो गया। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ तो किसी भी सेंटेंस में होना चाहिए, और यदि उसमें ऑब्जेक्ट हो गया तो और भी बढ़िया है, फिर पूरी तरह से एक सेंटेंस बन जाता है। तो सेंटेंस आप समझ पाए होंगे, सेंटेंस हमको कंप्लीट सेंस देता है, उसमें एक वर्ब का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। जबकि फ्रेज में क्या होता है, उसमें वर्ब होना ज़रूरी नहीं है। तो ये दो एग्जांपल के थ्रू उम्मीद करता हूँ आपको समझ पाए होंगे। आगे मैंने कुछ और पॉइंट्स लिए हुए हैं, इसके आगे भी आपको एस और पी लिखना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। फिर अगला देखते हैं, दीज फ्रूट्स आर स्वीट। तो दीज यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, दीज फ्रूट्स सब्जेक्ट हो गया पूरा, और स्वीट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे ये आर जो है वर्ब है, वर्ब मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, वहाँ पे वो वर्ब माना, वर्ब के रूप में रहेगा, उसको हम सेंटेंस मान सकते हैं। तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है हमको कि दिस फ्रूट्स आर स्वीट्स, तो ये स्वीट्स जो है वो, ये जो फ्रूट है वो क्या है, स्वीट है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। अगला देखते हैं, आई हैव टू अम्ब्रेलाज। तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया, और टू अम्ब्रेलाज क्या हो गया, अम्ब्रेलाज यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये भी एक सेंटेंस है, मेरे पास दो अम्ब्रेला यानी कि छाता है। अगला देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है कहते हैं ना, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, तो ये अपने आप में एक फ्रेज है, ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको कहीं भी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, वंस वर्ब नहीं है, अपॉन वर्ब नहीं है, अ टाइम ये सब कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये हो जाएगा फ्रेज, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है और कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये किसी भी काम को करने वाला कोई सब्जेक्ट होना चाहिए ना, जो उस काम को करे या उसके बारे में कुछ बताए, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेज इस तरह से क्या होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ हद तक मीनिंग देते हैं, वो भी पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, ये इसकी खासियत होती है फ्रेज की, ये कुछ हद तक उसका मीनिंग हमको बताता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंस देता है ये, इसलिए इसको फ्रेज कहते हैं, इसको सेंटेंस का छोटा रूप भी कह सकते हैं। अगला देखते हैं, राम वाज वार्न्ड बाई पुलिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें, राम एक सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वार्न्ड मेन वर्ब हो गया, और पुलिस जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमको तीनों चीज़ मिल गया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ किसी सेंटेंस में होना चाहिए,
या फिर कोई एक वर्ब होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। अगला है इन द स्टेडियम, मतलब स्टेडियम में। अब यहाँ पे देखिए इन कोई वर्ब नहीं है, द स्टेडियम यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, ये तो नाउन हो गया और ये आर्टिकल हो गया और ये प्रीपोजिशन हो गया, तो कहीं पे भी हमको वर्ब नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा, ये क्या होगा, फ्रेज होगा। अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, तो यहाँ भी ये एक आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, कहीं भी वर्ब नहीं है, सिंपली वर्ब नहीं है, तो आप इसको सेंटेंस नहीं मान सकते, तो ये भी एक फ्रेज हो गया। नेक्स्ट शी इज टॉल, तो यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टॉल जो है एक एडजेक्टिव है, उसके बारे में बता रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है हमको, इसलिए ये एक सेंटेंस होगा। ध्यान दिया होगा आपने, कहीं भी है फुल स्टॉप मैंने नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि उसमें ताकि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की तरह ही रहे, कहीं मैं फुल स्टॉप लगा दिया तो आप तो समझ जाते ना कि ये सेंटेंस है, इसलिए कहीं पर फुल स्टॉप नहीं है, और जो सेंटेंस कंप्लीट होगा उसके आगे फुल स्टॉप हमको लगाना ज़रूरी है वैसे। चलिए आगे देखते हैं, द टॉल गर्ल, यहाँ भी द टॉल गर्ल में ये गर्ल नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये तो आर्टिकल हो गया, तो यहाँ कहीं भी वर्ब नहीं है, मतलब ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। द ओपन विंडो, देखिए यहाँ पे दोनों को एक साथ देखते हैं, द ओपन विंडो दिया है, ओपन द विंडो दिया है, बस शब्दों को अलग अलग जगह में फेर दिया गया है, लेकिन वर्ड्स वही वही हैं, तो इसमें क्या है, इसमें एक सेंटेंस है और एक फ्रेज है, ये हमको देखना है कि कौन सेंटेंस है कौन फ्रेज है। देखिए द ओपन विंडो, यहाँ पे जो ओपन जो शब्द आपको दिख रहा है, ओपन मतलब किसी चीज़ को खोलना, ये वर्ब भी हो सकता है, ओपन मतलब किसी चीज़ को खोलना भी होता है, और ओपन मतलब खुला हुआ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका खुला हुआ मीनिंग होगा द ओपन विंडो, मतलब खुली हुई खिड़की, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है, है ना, क्योंकि इसके पहले द लगा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर ये वर्ब होता तो इसके पहले कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए था जो इस विंडो को खोलने का काम करे, और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये एक फ्रेज है, ये सेंटेंस हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि किस अगर मैं इसके यहाँ पर लिखता कि प्लीज़ ओपन द विंडो, तब यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है, लेकिन द ओपन विंडो मतलब द खुली हुई खिड़की, ऐसा बोला जा रहा है, सिर्फ खिड़की के बारे में बोला जा रहा है, तो ये फ्रेज है। अब ओपन द विंडो है तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि एक वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब कम से कम होना चाहिए, वर्ब इसमें है और सब्जेक्ट इसमें नहीं है, एक्चुअल में ये आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं ऐसे सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे इसमें क्या है, आज्ञा दिया जा रहा है कि ओपन द विंडो, यू ओपन द विंडो ऐसा होना चाहिए, इसमें यू छुपा हुआ रहता है, लेकिन जनरली हम ऐसा बोलते नहीं हैं, यू कम यू गो यू सीट ऐसा नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली हम वर्ब के साथ बोलते हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है, आदेशात्मक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको रूल्स नहीं बताया डायरेक्ट, मैं आपको क्या किया हूँ, आपको मैं एक्सरसाइज में लेके आया हूँ ताकि आप एक्सरसाइज के माध्यम से समझें। रूल्स तो बुक में बहुत सारे हैं, नेट में है, गाइड में है, लेकिन रूल्स आप पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में ना आए, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया, आपको एक्सरसाइज के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको आगे भी इंग्लिश से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।